अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। नसला टावर को गिराने का मुकम्मल अमल खत्म होने वाला है। आप मेरे कब में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हफ्ते पहले एक बुलंद और बाला इमारत खड़ी थी, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक फ्लोर बाकी है और कहा जा रहा है कि ये एक फ्लोर 3 दिन में मुकम्मल कर दिया जाएगा। नसला टावर का नामो निशान यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। नसला टावर 3 दिन में ज़मीन बोस हो जाएगा और नसला टावर का नामो निशान शारा फैसल से ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक नसला टावर जो कि 14 मंजिला है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और वो अपने आखिरी मराहल पर आ चुका है। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, नसला टावर के मजदूरों और हैवी मशीनरी के जरिए तोड़ा जा रहा है। इमारत की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को गिराने का काम तेज़ी से जारी है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि नसला टावर को मसमार करके ऑपरेशन 90% तक मुकम्मल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नसला टावर को गिराया जा रहा है। अगले 3 दिन में ऑपरेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे पहले गुज़िश्ता साल 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म पर गैर कानूनी करार दिए गए नसला टावर को गिराने का काम शुरू हुआ था, जो ताहल जारी है। 14 मंजिला इमारत की बलाई फ्लावर को मजदूरों की मदद से मिसमार किया गया। नाज़रीन, बताता चलूँ कि नसला टावर जो कि अपने 90% मराहल तक ये पहुँच चुका है, अगर आप देखें मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी तकरीबन आधा मुकम्मल हो चुका है। कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर ये नसला टावर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इसका नामो निशान भी मिट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक जो कि नवंबर में इसको हुक्म दिया गया था कि ये गैर कानूनी है, इसको गिरा दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि सर्विस रोड जो यहाँ से गुजर रहा था, फिर इसके अलावा नाला था, उसकी वजह से पूरी जो 14 मंजिला इमारत थी उसको ज़मीन बोस कर दिया गया। आज का जो आखिरी दिन है उसमें फर्स्ट फ्लोर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो 2 दिन है वो नीचे के जो पिलर हैं वो ये ख़त्म कर देंगे। नसला टावर को मिसमार करने के बाद जो इसका प्लॉट है उसूलन वो बिल्डर को जाता है, लेकिन बिल्डर पर केस चल रहा है, जो कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उन पर ये इकदाम किए हैं कि जब तक जो यहाँ के मुतासरीन थे, जो यहाँ रिहाइश पजीर थे, उनको उनके पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये प्लॉट बिल्डर को नहीं जाएगा। अगर मैं इस प्लॉट की बात करूँ तो इस प्लॉट की जो कीमत तकरीबन जो माहरीन ने बताया है वो 35 से 40 करोड़ रुपये है, और जब तक ये प्लॉट बिल्डर को नहीं जाएगा, जब तक मुतासरीन के पैसे उनको नहीं मिल जाते। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।